हैं? कौन है जो हमरे हवेली में घुस करके सेंध मारने का हिम्मत किया है? जो भी है उसको छोड़ेंगे नहीं। जा, ये इलाका का चप्पा चप्पा छान मारो, हवेली के आसपास सब जगह छान मारो और देखो कि कौन है। जिस पर भी शक हो उसको उठा के यहाँ ले आओ, उठा के यहाँ ले आओ, उठा के यहाँ ले आओ। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। जा, रुद्र, तुमको किसी पर शक है का? नहीं अम्मा, हमारे रहते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे हवेली की तरफ आंख भी उठा के देख सके। अरे कर लिया हिम्मत, कर लिया। जा, जा और उसको पकड़ के हमरे सामने लाओ ताकि हम उसको अपने पैर के नीचे कुचल के रख दें। उसको देखने के बाद किसी दूसरे का हिम्मत कभी नहीं होगा। अरे उस सपना में भी नहीं सोच सकता ऐसा करने का। जाओ। मम्मी, कोई चोर वोर भी तो हो सकता है। तुम पगला गए हो का? अगर चोर होता तो हमरा लटहत को देखते के साथ भाग जाता। चोर में इतना हिम्मत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अम्मा, आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ही चाहते हैं, जो भी है हमरा जान का दुश्मन है, जो हमरा जान लेना चाहता है। तो कौन हो सकता है आपका जान का दुश्मन? हो सकता है कोई घर का ही भेदी हो। पर कौन अम्मा? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन, आखिर कौन। उस पर एक मौली धागा बंधी हुई थी, हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति हमें उस कमरे के अंदर खींचना चाहती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमसे वो ताला खुलवाना चाहता हो। बस इसके बाद से हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम कब आए, तुम कैसे हमको यहाँ तक लेकर आए, कुछ भी याद नहीं है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। आखिर उस कमरे में था क्या और वहाँ ताला क्यों लगा कर रखा गया है? अब हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी हो गया है। बस बहुत हुआ, अब तुम्हें कोई भी बात जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि हम कितने खतरों से बचाकर लाए हैं तुम्हें? इस बात का एहसास है तुम्हें? तुम हमें ज्यादा उपदेश ना दिया करो। यार तुम इतने जिद्दी क्यों हो और तुम इतने चिपकू क्यों हो? हाँ हम हैं चिपकू और तुम भी बहुत समझदार नहीं हो। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप के लिए मत लड़ो, लेकिन ये तरीका गलत है। आज तो तुम बच गई, लेकिन कल बच पाओगी इस बात की गारंटी कौन लेगा? हाँ कोई गारंटी नहीं है तो क्या करें? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठो। अरे पुलिस की मदद लो, अपने माँ बाप के केस ओपन करवाओ, अदालत जाओ और क्या। आखिर कौन है जो हमरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है? मम्मी हम क्या कहते हैं कि आप ना अपना सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, मतलब कि दुगुना कर लीजिए। अम्मा करती ठीक ही तो कह रहा है, और शेर सिंह भी बोल रहा था। अब हम जैसा कहते हैं वैसा ही करना, ना रत्ती भर का इधर ना उधर, और ये बात हम लोगों के अलावा किसी के पास नहीं जानी चाहिए, ना फिल्म के नाम पर ना स्क्रिप्ट के नाम पर। समझे कुछ आप लोग? बाबा एक छो बात कहना था। पूछो। आप काऊ मौली आप दोबारा नहीं बांध सकते बाबा? क्यों नहीं बांध सकते?
अवश्य बांध सकते हैं। तो बांध दीजिए ना। मजा आ गया। ओ भाई साहब, यहाँ एक लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं और तुम ताली बजा रहे हो। तुमको भी दो क्या कान के नीचे? हमको क्यों मारेंगे? अरे मैडम, आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है और जो आप नहीं सोच रहे हैं वही सही है। आई मीन, ये लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये गुंडे नहीं है, ये तो एक्टर है और यहाँ शूटिंग चल रही है। सॉरी सॉरी, हमें माफ कीजिए। हमें लगा कि एक लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं और हम उन्हें बचाने चले आए। माफ कीजिएगा भाई साहब। इसमें माफी की कोई बात ही नहीं है। पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? चंद्रिका। चंद्रिका, ओए ये लोग ना, तुम कुछ सीखो इनसे। हैं? दिन भर खाली गली में जाके रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। अरे कुछ सीखो, रोड के ही खाली एक्टर बन के रह जाओगे का? कुछ सीखो मैडम से। मैडम हम क्या कह रहे थे कि अब तो लंच का टाइम हो ही गया, तो लंच ब्रेक करते हैं, तो साथ में लंच कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? अरे आपको अगर हम अपना पिक्चर में ले लिया ना मैडम, तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाएगा, ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, पूरा सासाराम हिल जाएगा। एक्शन और हम देखो चंद्रिका, हमें हमेशा से एक ऐसी ही हीरोइन की तलाश थी अपनी फिल्म के लिए। तुम्हारी मुस्कान जैसे सातवां आसमान। तुम मोनालिसा का तो नाम सुनी होगी? जी हाँ। अरे जब तुम हंसती हो ना, जब तुम स्माइल देती हो, तो उसके स्माइल को भी तुम मात दे देती हो, पता है तुमको? मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो तुम हीरोइन की एक कंप्लीट पैकेज। अरे नहीं नहीं, ये एक्टिंग वैक्टिंग हमसे नहीं हो पाएगी। अरे एक्टिंग में कोई बड़ी बात थोड़े है। अरे हम खुद एक्टर रह चुके हैं और आज डायरेक्टर। अरे एक्टर से एक्टिंग निकलवाना तो हमारा काम है, तुम टेंशन मत लो, बस करो। लेकिन पर इस शूटिंग से तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा चंद्रिका। अरे आप कौन? आपकी क्या तारीफ? इनको अंदर किसने भेजा? आए, इनको अंदर किसने भेजा? ये हमारा दोस्त है, एक्चुअली बचपन का दोस्त है, हमारे साथ ही आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो खड़ा का है, मतलब खड़े का है, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। लेकिन चंद्रिका, ये किस मकसद की बात कर रहे थे? दरअसल हम यहाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं। रोहन, तुम घबरा क्यों रहे हो? डायरेक्टर साहब हमको हीरोइन बनाना चाहते हैं। एक बार हम हीरोइन बन जाएं, फिर हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, फिर हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। देखो रोहन, हमें फिल्मों में काम करने के लिए हाँ कर दो, हम फिल्म करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर माँ की इलाज करवा पाएंगे हम, कुंवारी दीदी की शादी भी हो सकती है फिर, और फिर बच्चे, बच्चों के लिए भी फीस के लिए पैसे आ जाएंगे ना रोहन, प्लीज मान जाओ। बच्चे? आपके बच्चे भी हैं? हमने कब कहा कि हमारे बच्चे हैं? तो फिर किसके बच्चे हैं? रोहन के बच्चे हैं। पर इन महाशय का उम्र देखकर तो लगता नहीं है कि इनके बच्चे होंगे।
अच्छा चंद्रिका, तुम यहां बैठो और हम मम्मी को लेकर आते हैं, ठीक है? मम्मी, मम्मी, पापा, छोटी माँ, हम आपको इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। हमें आपका आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी हो जाएं। अच्छा, तो अब लड़की लोग भी लठैती करने लगी है। मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आजकल लड़की लोग कहां से कहां तक पहुंच गई है। अरे चंद्रिका को तो जूडो, कराटे, बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब आता है। बताओ, ठल्लो उठो, मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है तुम लोग को, निकलो यहां से। जाओ, वाह, तुमको देख करके हमारा दिल बहुत खुश हो गया। इसलिए हम तुमको इनाम देना चाहते हैं। मांगो। और किसी को मारना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, समझी?
हम उनको जलाकर मारेंगे, जलाकर मारेंगे, तुम मारोगी। कमाल का आइडिया है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें मार दोगी, कत्ल कर दोगी? उसके बाद क्या होगा? कोर्ट तुम्हें सजा देगा, कोर्ट तुम्हें सजा देगा, आजीवन कारावास देगा, आजीवन कारावास देगा। फिर कोर्ट में चिल्लाती रहना कि उन्होंने हमारे माँ बाप को मार दिया, इसलिए हम भी मार दिए। हाँ, चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे। जज फिर तुमको सजा देगा। बदला और इंसाफ में फर्क होता है, और खून का बदला खून से लेने की इजाजत हमारा कानून नहीं देता, हमारा कानून नहीं देता, हमारा कानून नहीं देता। हमारा कानून कातिल को सजा देता है, और अगर तुम कत्ल करोगी तो कानून की नजर में तुम कातिल कहलाओगे, तुम कातिल कहलाओगे, तुम कातिल कहलाओगे। और वैसे कभी कभी जेल में तुमसे मिलने हम जरूर आएंगे, लेकिन तब तक तुम्हारी कहानी का द एंड हो चुका होगा। लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हो जाएगा ना? इस कहानी में तुम्हारा मकसद कोई मायने नहीं रखता मिस चंद्रिका। कत्ल तुम्हारे माँ बाप का हुआ है, तो इंसाफ तुम्हारे माँ बाप को मिलना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सोच समझकर किया गया कत्ल था। कत्ल जब तक ये बात अदालत के सामने खुद कातिल स्वीकार ना करे, तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, और ना ही तुम्हारे माँ बाप की कहानी का द एंड होगा। बोलो ना, अगर आपने ये फैसला ले ही लिया है कि आप इस कहानी पर फिल्म बनाने वाले हैं, तो हमारी एक सलाह होगी। अरे आप हमारे हीरोइन हैं, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर मुफ्तला फरमाए। हम सोच रहे थे कि अगर हम इस फिल्म की शूटिंग किसी रियल लोकेशन पर करें तो हमें सेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर फिल्म में रियल फील आएगा। क्या कहते हैं? देखो, अब फिल्म शूट करेंगे तो हवेली तो चाहिए ही, अब इतनी बड़ी हवेली कहाँ मिलेगी? तो सेट तो लगाना ही पड़ेगा ना। अरे क्या कार्तिक जी, आप भी ना, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आपकी हवेली तो है, आपकी हवेली से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती इस कहानी के लिए, क्यों रोहन? ऑफ कोर्स, हमारे दिमाग में आपकी हवेली के अलावा और कोई लोकेशन आता ही नहीं है। ये तो कमाल का आइडिया बताया रोहन बाबू ने, मतलब गजबे हो गया। अब तो अपने पास में रियल लोकेशन भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, और राइटर भी है। टुक्के में बनी तुम्हारी कहानी पर फिल्म बनवाने। हमने कोई कहानी नहीं लिखी है, वो तो तुम्हारे माँ बाप की कहानी थी, टुक्के से कार्तिक ने सुन लिया था, इसलिए उसे शक ना हो तो मैंने बात को घुमा दिया था, बस। बहुत अच्छा किए, इससे अब हम उस हवेली में आसानी से घुस सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो तुम्हें हमने बोलाया समझने को? तुम क्यों हमारे पीछे पीछे आए? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम वापस जा सकते हो। चंद्रिका, तुम आग से खेलने जा रही हो। ये आग तो कुछ भी नहीं है रोहन, सोचो हमारे माँ पापा और छोटी माँ को आग में जिंदा जला दिया गया था। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितने तकलीफ में रहे होंगे।
कितना चीखा होगा उन्होंने, कितनी मदद मांगी होगी, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया, हम भी नहीं। शायद इसलिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है, हमें जिंदा रखा है ताकि हम उस नीला देवी के मुंह से भी ऐसी ही चीख सुन सके। हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे माँ पापा और छोटी माँ के पीड़ा और दर्द के आगे कुछ भी नहीं है रोहन। इसलिए हमारा फैसला अडिग और अटल ही रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम हमारा साथ दोगे या नहीं। हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा रोहन अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे। वैसे भी तुम हमारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगे। तुमने हमारी बहुत हेल्प की है रोहन, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब हम वापस नहीं लौट सकते, वापस नहीं लौट सकते। अब हम आगे ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये लड़की भी ना खुद तो मरेगी और हमको भी मरवाएगी। हम कितने अभागे हैं, बेटे और बहू को खो दिए। हमको तो लगा था कि वो राक्षस ने हमारा बंसी खत्म कर दिया, पर अब तो आप भाग्यशाली है ना, आपकी पोती सही सलामत है भाई साहब। पर एक बात समझ में नहीं आई हमको कि आपको हमारे घर का पता कौन बताया। समधन जी, माता रानी के दरबार में हर मनोकामना पूरी होती है। का मतलब, हम समझे नहीं। हम मंदिर गए थे माता रानी के दर्शन के लिए, वहां के पंडित जी हमारे पुराने जान पहचान के निकल आए, तो हम दोनों लोग बैठ के बतियाने लगे। बात करते करते माधव, चित्रा और चंदा की बात निकल आई, दुनिया जहान की बात करते करते आपका जिक्र निकल आया। आपका जिक्र निकला तो चंद्रिका की बात निकल आई, तो उन्होंने हमको बताया कि हमारी पोती तो अच्छी खासी बड़ी हो गई है। कहाँ है हमारी पोती, बस एक बार मिला दीजिए हमारी हमको पोती से। वो बदला लेने गई है। बदला लेने गई है। हाँ, अपने माँ बाप का बदला, अपने माँ बाप का बदला। चलो कोई बात नहीं, मम्मी आएगी तो तुम्हारे लिए हम बात कर लेंगे, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन एक शर्त है हमारा। बोलो। इस फिल्म में एगो सीन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ये बाउंसर को उठा के धोबी पछाड़ धो रहे। अब ये सब तो हमारे राइटर साहब पे डिपेंड करता है। मतलब क्यों राइटर साहब, ऐसा कोई सीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात तो आपको समझना होगा ना कि आप इस फिल्म के विलन हैं और चंद्रिका जो है वो हीरो और हीरोइन दोनों है, तो आखिरी में जो है वो जीत इन्हीं की दिखानी होगी ना। सो तो है, ठीक है, मंजूर है। चलो भाई, डन। लाखन भाई, तुम हमारे फिल्म के मेन विलन हो, ठीक है। हमको तो भूख लग गई चाचा, वो शंभू के यहाँ की कचौड़ी मंगवाइए ना। अरे शंभू बहुत दूर है, कहाँ से लाएंगे इतना दूर से कचौड़ी। अरे लाखन काका है ना, वो ले आएंगे। वैसे भी अभी हमारे प्रोडक्शन के हिस्सा हो गए हैं, तो पूरी मुश्तैदी से अपना काम संभाल लेंगे।
हमें तो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं। हाँ ये ठीक बोली। चंद्रिका यहां क्या कर रही हो? हम बोल रहे हैं ना यहां से चलो। रोहन हमने यहां एक अजीब सी औरत को देखा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो हम पर हमला कर देगी। हम बहुत डर गए थे रोहन, लेकिन वो हम पर हमला करने के बजाय उन्होंने हमें प्यार से छुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा रोहन, वो यहीं थी अभी। हमको तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये तुम्हारे मन का वहम हो सकता है। हे भगवान, हम तुमसे पहले ही कह रहे थे कि ये भूतिया हवेली है। पता नहीं यहां कितने लोगों का मर्डर किया गया होगा और कितनी आत्माएं यहां भटक रही होंगी। ये भूत बंगला है, हमारी बात मानो और चलो यहां से। चलो नीला देवी तुम्हारा काल यहां आ चुका है। तुम अपने अहंकार में इतना डूबी हुई हो कि तुम्हें उसके कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी। अब तुम्हारी मौत को उतना ही समय बचा है जितना तुम्हारी गर्दन और उसके हाथ की दूरी है। तुम्हारा मौत अब पास आ चुका है। तुम्हारे शैतानी राजपाट के दिन अब गए। अब इस हवेली की दावेदार आ चुकी है। अब यहाँ सिर्फ उसका राज चलेगा, सबका न्याय होगा। अब तुम बस देखते जाओ तुम्हारा क्या हश्र होता है। नीला देवी
अब तुम्हारे शैतानी राजपाट के दिन गए। अब इस हवेली की असली दावेदार आ चुकी है। अब यहाँ सिर्फ उसका राज होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। हाँ, अब सबको न्याय मिलेगा। तुम देखना, अब न्याय मिलेगा। हाँ, अब न्याय मिलेगा। हे भगवान, ये तो सीधी बंदूक लेकर चला आ रहा है, अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चंद्रिका को सिग्नल कैसे दें? ये आदमी तो आ रहा है, ओह शिट, तो सब गड़बड़ हो गया। हमको भी उसके पीछे जाना होगा, न जाने चंद्रिका पे क्या मुसीबत आ जाए। काम करते हैं, कार्तिक के पास चलते हैं।